और बिहार के नवनियुक्त कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह उर्फ कार्तिक कुमार के खिलाफ अपहरण कांड में अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने उन्हें तुरंत पद से हटाने की मांग की है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तुरंत कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करें। जिस दिन उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था उस दिन वे मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। सुशील मोदी ने बताया कि कार्तिकेय सिंह जेल में सजा काट रहे पूर्व विधायक अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं। उन पर अपहरण से जुड़े मामले में वारंट जारी हुआ था। वे सरेंडर करने के बजाय मंत्री बन जाते हैं। यह सीएम नीतीश कुमार की मजबूरी है। सरेंडर नहीं करना बहुत बड़ा अपराध है। फरार होकर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, ये बिहार के जंगल राज की ओर जाने की निशानी है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि कार्तिकेय सिंह को सोची समझी रणनीति के तहत कानून मंत्री बनाया गया ताकि कार्तिकेय मंत्री बनकर आरजेडी के नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमों को रफा दफा कर सके। मंत्री बनाने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि अपराधियों को कैबिनेट में शामिल करना नीतीश कुमार की मजबूरी है। ऐसा लंबे समय तक रहने वाला नीतीश कुमार चाह कर के भी अच्छे चेहरों को सरकार में शामिल नहीं कर पाएंगे। आने वाले दिनों में जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा या विलीन हो जाएंगे। नीतीश अंतिम पारी खेल रहे हैं, उसके बाद जेडीयू में कुछ नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप बातें सुन रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह जो कि मंत्री बनाए गए हैं, कानून मंत्री बनाए गए हैं और उन पर अपहरण का मामला है और ये वारंट भी निकल चुका है। सवाल ये उठता है कि जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अपराधियों से और अपराध से जीरो टॉलरेंस पर उनकी पार्टी और उनकी सरकार काम करती है, लेकिन उनकी सरकार में ही और वो भी ऐसे पद पे कानून मंत्री जो कि आपराधिक छवि का हो, जिस पे अपहरण का मामला दर्ज हो, तो क्या नीतीश कुमार का ये इसमें कितना रोल है और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि नीतीश कुमार अपने छवि के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार आपराधिक छवि वाले लोगों से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि कार्तिकेय सिंह जैसे जिन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा हो, जिन पर वारंट निकल गया हो, ऐसे मन्नेता को, ऐसे चेहरे को कानून मंत्री बना दिया गया। और चूंकि सुशील मोदी ने ये आवाज़ उठाया है कि कानून मंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि आरजेडी के उन तमाम अपराधियों के लिस्ट जो है उसको वो रफा दफा कर सके, तो क्या ये बात सही है? क्योंकि जिस तरह की बातें उठ रही है इस पर तो जवाब देना बनता है। देखते हैं कि आगे क्या होता है बिहार की राजनीति में। फिलहाल मैं छोड़े जाता हूं आपको इस खबर के साथ और आप बने रहिए और बिग न्यूज़ 9 के साथ और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।